ट्रिक बताएं भाई, वो अब जो सीक्रेट है वो बताएं कि आप कैसे मैनेज कर लेती थी सबसे काम कराने का. सब सारे मैं कमेंट्स ही पढ़ रही थी, मैं देख भी रही थी, सब ज़्यादा लोगों ने कहा कि ये जो अरूबा की क्वालिटी थी ना कि खुद कुछ नहीं करना, अवार्ड भी मिला था आपको, राइट? देखिए, मैं बताती हूँ. मैंने कहा आज मैं पूछूंगी अरूबा की क्या ट्रिक थी, क्या सीक्रेट क्या था. कोई ट्रिक, मैं भी सीख लूँ कुछ आपसे. कोई ट्रिक नहीं थी. मैंने सीरियसली पूछा, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं आपको सीरियसली बता रही. कोई ट्रिक नहीं थी एक्चुअली. देखिए होता क्या है कि आप कुछ तो चीज़ें ऐसी थी कि जैसे अब मुझे नहीं पता, जैसे फैज़ान था, उसको आलू की तहरी नहीं अच्छी लगती थी. ठीक है, आई वॉज़ द वन कि जब उसने कहा कि मैं नहीं खाता, तो मैंने कहा अच्छा खाना बन चुका था, मेरी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ. मैं गई, मैंने उसके लिए जाकर आलू की भुजिया बनाई. तो इस तरह आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को कुछ ना कुछ आप कर रहे होते हो किसी के लिए, जो कहीं कुछ नज़र आ रहा था नहीं आ रहा था. अब मेरा क्या हुआ कि आई डोंट नो, और किचन में मेरा जाना मना था. ठीक है, तो अब जुनेद है किचन में, मैं उसे बोली प्लेट, क्योंकि आप नहीं जा सकते किचन में. अगर मैं जाऊँगी तो नताशा की वजारत थी, वो फिर शाउट करती. तो जुनेद, अब वो जुनेद आके अंडा दे रहा है, ठीक है, तो जुनेद आके चाय दे रहा है. हाँ ठीक है, कर भी रहे थे मेरे दोस्त, मैं क्यों बोलूँ कि नहीं कर रहे थे. ठीक है, मैंने भी लोगों से पूछा क्यों कर रहे थे. हाँ, क्यों कर रहे थे भैया, अगर वो तो कह रही है आप खुद कर रहे थे, उनकी कोई ट्रिक नहीं. मैं बताता हूँ, कोई ट्रिक नहीं थी सच में. जब हमारी why only Aruba, मैंने मिशेल के लिए भी किया. हाँ. लोगों ने मेंशन नहीं किया. मैंने यहाँ तक नताशा के लिए भी किया, मैंने यहाँ पे नेहा तक के लिए भी किया. आप पे क्यों फोकस हो रहा है? मैं बताता हूँ, इसके लिए, क्योंकि आई थिंक वो लाइमलाइट में है अभी, इसलिए फोकस हो रहा है. आउट ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, लोग ये नहीं समझ पाते. हम लोग सिर्फ समझते हैं कि हम नौकर बन गए किसी के काम करने से. मैं अपने घर में भी हूँ ना, अगर मेरे भाई बहन के लिए काम करना होगा तो मैं बड़ी इज्जत से काम करूँगा, उसको प्लेट ला के देना कोई बुरी बात नहीं है. जब ये इसको बीच में बीमार हुई और इसने बताया, मेरी वजारत में भी बीमार हुई, इसको तबीयत बहुत ख़राब थी, इसको मैंने मेडिसिन भी ला के दी, इसको मैंने जो मैं पानी शानी ला के, लेकिन इसको मैंने ना किचन का होल्ड दिया था नताशा को, वो कहती थी किचन में कोई ना आए. ये अरूबा के वो तो कहा कि अरूबा भी ना है, फैजान ये, तो मैं कहता था ठीक है. तो मैं कहता था अब मैं वजीर हूँ, मैं तुम्हें लाके दे देता हूँ, ठीक है, तुम ना आना ताकि कोई लड़ाई ना हो. ठीक है, तुम किचन में आके खड़ी होगी, वो कहेगी ये किचन में क्यों फिर बहस होगी. तो मैंने कहा मैं लाके देता हूँ, मैं प्लेट भी लाके दे रहा हूँ, मैं कॉफी भी ला के दे रहा हूं, पराठा भी ला के दे रहा, मैं बैठी हूं चेयर पे. अब लोगों को लग रहा है कि अरूबा चेयर पे बैठी हुई है और वजीर काम कर रहा है. मैंने यहां तक के नेहा खाना बना रही होती थी, क्योंकि 45 मिनट्स का एक रूल आया था बीच में, 45 मिनट्स के अंदर. तो मैं उमर खड़ा होता था तो टाइम कम जब रह जाता था, तो मैं अपना खाना जल्दी खा के मैं फौरन जाता था कि उमर तुम जाके बैठो, मैं पराठे सेक देता हूँ या मैं पराठे बना देता हूँ, नेहा आप जाके खाना खाएं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. तो वो भी तो लोगों ने नहीं देखा, नहीं वो नहीं किया. I'm क्या मैं उमर का नौकर तो नहीं बन गया, ना मैं नेहा का नौकर बन गया हूँ. नताशा बैठी होंगी, नताशा को कोई चीज़ चाहिए मैं ला के दे दूंगा. कभी कभी तो मैंने सर्व भी किया ला के, अच्छा इतना ताकि सबको खाना बराबर मिले. किसी इसको शू लेसेस बांधने नहीं आते थे पहले, मिशेल बांधती थी. अब मिशेल चली गई. अब अगर आप एक घर में मैं शूज दो दिन मैंने शूज नहीं पहने, इसलिए कि लेसेस बांधने पड़े. क्योंकि आप एक घर में रह रहे हो, आपका बॉन्ड इतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप सुबह से लेकर रात तक आपको एक मिनट नहीं मिलता अकेले बैठने का, आप सब साथ में ही होते हो. तो अगर कोई आगे कह रहे हैं यार मेरे शू के लेसेस बांधो, मुझे नहीं आते, अब मैंने उसको बांध दिए, नौकर नहीं बन गया. उन्होंने पिक कर लिया, उन्होंने वो वीडियो बन गई. कुछ लोगों ने लिखा बेस्ट फ्रेंडशिप बेस्ट बॉन्ड के मतलब. अरूबा आपको लग रहा है, डू यू फील कि ये अननेसेसरली आपको बायस दिखाई जा रही है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हर चीज़ ना मुझे पॉइंट आउट की जा रही है कि मैंने कहा ना अब कोई भी काम है. अब जैसे इसकी तबीयत ख़राब हुई, देखिए ये होता है एक्शन का रिएक्शन. मैंने अपनी दोस्ती इनके साथ जब निभाई तो ये लोग निभा रहे थे ना, अब वो रिस्पेक्ट मैंने भी इनके लिए किया. दोस्ती आपने निभाई वो कैमरे पे इतनी कैप्चर नहीं की गई. नहीं की. अब जैसे मेरी वजारत थी, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है. अब वो जो चोरी चोरी का एक जो नाम दिया जा रहा है ना, तो वो हुआ ये कि वो दूध था वो हमारे पास. आप उस टाइम तक ना वज़ीर को उसकी पावर्स का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं तो अचानक वज़ीर बनी थी, क्योंकि उमर की वजारत हटी थी और मैं बन गई थी. तो मुझे समझ ही नहीं आया कि उसके पास इतनी पावर्स हैं कि अगर मैं मना कर दूं कि किचन में कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं जा सकता. उस टाइम लोगों का कहना ये था कि जितना घर तुम्हारा है उतना मेरा है. तो आई थॉट कि अच्छा जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या करना है. तो मुझे भी यही लगा कि शायद इस तरह हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप किचन में नहीं आओ. वो तो बाद में पता चला कि वजीर के पास तो बहुत ज़्यादा पावर्स हैं. वो तो कह दे कि आप यहीं बैठे रहो तो आपने बैठे रहना. तो वो उस टाइम अंदाज़ा नहीं था. तो इसकी तबीयत ख़राब हुई, ठीक है. और भी तो मैंने क्या किया, वो जो दूध के दो डब्बे थे मैंने उठाए और मैंने उमर को, जुनेद को, मिशेल को
हम सबको पता था। मैंने कहा ये उठा के ना वो कश्मीर का एक बोर्ड लगा हुआ था इसके पीछे रख दो, क्योंकि बार बार चाय बनाई जा रही थी, तो मैंने कहा एंड में ये होगा कि दूध ख़त्म हो जाएगा और फिर हम फाके कर रहे होंगे। वो मैंने रखवा दिया। अब जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स खा रहा था, तो इसने मुझे कहा, तो मैंने इसको वो दूध निकाल के चुपके से और पानी मिलाकर इसको दे दिया कि तुम ये कच्ची लस्सी टाइप पी लो ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। फिर उमर मिशेल जब वो टास्क खेलकर आए थे इसमें वो खड़े रहे 12 घंटे, तो जब वो आए तो डेफिनेटली मुझे तरस आ रहा था, तो मैंने, जबकि नेहा से उस टाइम मेरी कोई खास बातचीत नहीं थी, वो जाके सो गई, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और वज़ीर उनके साथ जाग रहा था, तो मैंने उनको हल्दी वाला दूध बना कर दिया। तो मैंने कहा यार मैं नेहा को भी देकर आती हूँ, बेशक वो बात नहीं है हमारे बीच में, लेकिन खड़े होकर तो वो भी आई है ना, वो भी इंसान है। मैं स्पेशली गई, अब वो चीज़ें कहीं नहीं हाईलाइट की जा रही हैं, मैं गई, मैंने जाके नेहा को भी दिया, उन दोनों को सुबह। इस पर उमर ने कहा कि यार तुम बहुत अच्छी हो, मिशेल ने बोला कि मैंने उनको, तो मैं भी अपनी दोस्तियाँ कहीं ना कहीं निभा रही थी इनके साथ, ठीक है। अब अगर मुझे पता है कि जुनेद को कोई चीज़ चाहिए तो वो मैं जो मैं कर सकती थी मैं अपने तौर से कर रही थी। कई दफ़ा ऐसा हुआ, अब लास्ट बिल्कुल ये लास्ट के डेज़ की बात है कि मैं वॉशरूम से बाहर आई हूँ और मैं अपना ड्रेस लेकर बैठी हुई हूँ और पता नहीं कौन, जुनेद प्रेस कर या फिर दानिश भाई कर रहे थे, तो उमर बैठा हुआ था, तो हमें टास्क मिला हुआ था 45 मिनट्स का कि हमें रेडी होना है। तो उमर ने कहा मुझे दो ड्रेस, मैं प्रेस करता हूँ। मैंने कहा श्योर, कहता है हाँ तुम दो, तुम मेकअप करो। तो वो हम आपस में ना हम कर रहे थे, कोई किसी के लिए कर रहा था, मैंने उमर को नहीं कहा करने के लिए, मैंने कभी किसी को हाँ ये कह दिया कि जुनेद प्लीज प्लेट दे दो, अब नहीं मैं जा सकती। अब वो किसी को बैकअप द स्टोरी नहीं पता कि किचन में जाना ही मना है, मैं नहीं जा सकती अगर जुनेद लाके दे रहा है या कर रहा है। हाँ बाकी किया भी है, मैं नहीं बोलती कि नहीं किया, फैजान ने भी किया, इसने भी किया, सब ने किया, लेकिन मैं भी सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ कर रही थी जो कि नजर नहीं आ रहा, सिर्फ नजर ये आ रहा है कि अरूबा ने बैठ के काम करवाया। मुझे लगता है कि जो कामचोर का अवार्ड दिया गया वो मुझे कुछ खास अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ था हमारा शो और 7th वीक तक जो जो टास्क या जो जो ड्यूटीज़ मुझे दी गई वो मैंने की। हाँ मैं तंग ज़रूर करती, जैसे इसकी वजारत में मैं इसको तंग कर रही थी, इस पर लोगों को लगा, जैसे मिशेल ने मेरे बारे में लगा दिया था कि अरूबा गलत कर रही है, और मुझे नहीं याद, ठीक है, हमारी आई थिंक अनबन 10-15 मिनट की होती थी और फिर हम नॉर्मल थे, ठीक है, और फिर बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया जो हमने क्लियर भी किया बाद में। तो उसके अलावा जो उसने कहा, क्योंकि वो बार बार ये कह रहा था कि देखो मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ माहौल अच्छा रहे, तो जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो, तो सब इसी तरह ही कर रहे थे। जो मुझे ड्यूटीज़ दी गई, जैसे मैंने मॉप लगाया, ठीक है, मेरी नताशा की वजारत में मेरी ड्यूटी थी जो कहीं नहीं है, वो क्यों नहीं दिखाया गया मुझे नहीं पता। मैंने लोगों से पूछा कि अनकट में क्या पूरा टीवी लॉन्च का ये वहाँ पर उस टाइम वैक्यूम करता था और मैं मॉप करती थी, वो नहीं दिखाया गया। मैंने टेबल साफ़ किया है, फिर हाँ बर्तन मैंने स्टार्टिंग में नहीं धोए क्योंकि मुझे बर्तन जो लास्ट में जो टास्क दे दिया गया कि बर्तन मैंने ही धोने हैं, तो पूरा एक हफ्ता मैंने ही धोए बर्तन पे, ठीक है। लेकिन जो उससे पहले काम था कि आपने रूम सेट करना है, तो जो वजीर जो काम देगा मैं वही करूँगी ना। अब अगर मेरे काम को हाईलाइट करके नहीं दिखाया जा रहा या लोग नहीं देख पा रहे, तो उसमें मेरा मसला तो नहीं है, मेरी गलती तो नहीं है। और उसमें मुझे काम दे दिया गया, मुझे अवार्ड मिला काम चोर का, लोगों की क्या, और फिर शॉक्ड होंगी फिर। हाँ मैं थोड़ी शॉक्ड थी कि यार मैंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रही, क्योंकि देखो मैं वहाँ पे कोई बैठने नहीं गई थी और सब वहाँ पे ऐसा नहीं था कि जी अरूबा को बिठा कर रखो और सब उसके आगे पीछे कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ चलो अब कुछ चीज़ें दिखाई गई, कुछ नहीं दिखाई गई, तो लोगों को लगा मैं काम चोर हूँ, क्योंकि वो मैंने कहा ना ये शॉर्ट्स लगे हैं, अब ये नहीं दिखाएगा कि फैज़ान ने, या फैज़ान ला के प्लेट रख रहा है, तो फैज़ान अगर कह रहा है अरूबा चाय निकाल दो, तो मैं उसके लिए चाय लेकर आ रही हूँ, नाश्ता मैं उठकर चाय दे रही हूँ कि अच्छा दोबारा चाय पीते हो, जैसे ये और फैज़ान दोबारा लाओ मुझे 2 कप, वो कहीं शॉर्ट्स ही लगे हैं। तो अगर हम वो लोग मेरे लिए कर रहे थे, तो मैंने भी जो जो मैं उनके लिए कर सकती थी अपने दोस्तों के लिए मैंने सबके लिए किया, चाहे वो उमर था, चाहे फैज़ान था, मिशेल थी, जुनेद था, सबके लिए। तो फिर इस हिसाब से आपको लगता है और कौन सा अवार्ड गलत मिला? एक ही अवार्ड मिला है, नहीं बाकी सबको भी तो मिले ना, किसी को कुछ नाम दिए गए जैसे आपको काम, तो अब बाकी किसी को लगता है आपको जो जस्टिफाइड? मुझे लगता है कि बेस्ट वजीर का अवार्ड जुनेद को मिलना चाहिए था।